गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपिन भारद्वाज हाजिर हूँ। आज आपके सामने लेके एक नई चीज, एक नई इन्फॉर्मेशन, नई सूचना आई है, एक नई अधिसूचना आई है। जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नई सूचना जारी करी है। अब ऑनलाइन बिजनेस करने वाले लोग बिना किसी जीएसटी के भी ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। बोले तो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो आप, Amazon, Flipkart, Meesho, इस तरह के जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स पर अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो आपको जीएसटी लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ कई कंडीशंस हैं। वो क्या कंडीशंस हैं वो मैं बताऊंगा इसमें, और किस तरह से आप इस चीज का फायदा उठा सकते हो। क्योंकि जनरली कई बार यूट्यूब पर ये चीज सर्च करी जाती थी या कई लोग ये पूछते थे कि क्या ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए जीएसटी लेना जरूरी, तो इस चीज का जवाब दूंगा मैं दोस्तों आज। सबसे पहले दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा कोई सा वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो, या अगर आप किसी भी ऑनलाइन माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं तो। भारत सरकार ने ई कॉमर्स को बूस्ट करने के लिए, सिंस आपको पता ही होगा आने वाला जमाना ऑनलाइन का ही है, अगर जो भी व्यक्ति या जो भी सेलर ऑफलाइन बिजनेस कर रहा है उसको भी कभी ना कभी आने वाले समय में ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा क्यों ना आप अभी ही ऑनलाइन आ जाइए, अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ला दीजिए। तो भारत सरकार ने ऑनलाइन बिजनेस को, ई कॉम बिजनेस को बूस्ट देने के लिए, या जो कम टर्नओवर वाले जो सेलर्स होते हैं, लो टर्नओवर वाले जो सेलर होते हैं उनके सेल्स को बूस्ट करने के लिए, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लाने के लिए एक नया रूल लाया है। और ये बिना जीएसटी की जो ऑनलाइन बिजनेस करने का रूल 1 जनवरी 2023 से इफेक्ट में आ जाएगा, तब से भारत में लागू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ जो दो कंडीशन जुड़ी हुई वो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि वो चीज यहां पर ध्यान देने लायक है। कंडीशन नंबर वन, इसके लिए 40 लाख रुपए तक के टर्नओवर की लिमिट सेट करी गई है। बोले तो आपका सालाना जो आप माल बेच रहे हो, सालाना जो आपका टर्नओवर है वो 40 लाख रुपए से कम का ही होना चाहिए, 40 लाख या उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 40 लाख या उससे कम का अगर आपका टर्नओवर है तो आप बिना किसी जीएसटी के ऑनलाइन माध्यमों पे बिजनेस कर सकते हो। आप कोई भी टैक्सेबल कैटेगरी का बिजनेस कर रहे हो तो भी आप एग्जेम्प्टेड हो इसमें। आप 40 लाख तक का अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से कम का है तो आप जीएसटी के ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। एंड कंडीशन नंबर टू, इट शुड बी इंट्रास्टेट, योर बिजनेस जो ट्रांजैक्शंस जो हुई है वो इंट्रास्टेट होना चाहिए। दोस्तों यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस मैं बता देता हूं, व्हाट इज इंटरस्टेट वर्सेस इंट्रास्टेट। इंटरस्टेट तो क्या होता है दोस्तों कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचना। बोले तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं राजस्थान से हूँ, ठीक है, अब राजस्थान से मेरे को ऑनलाइन माध्यमों पे मैं माल बेच रहा हूँ तो मैं महाराष्ट्र बेच रहा हूँ, किसी दूसरे स्टेट में बेच रहा हूँ, यूपी बेच रहा हूँ, एमपी बेच रहा हूँ, बिहार बेच रहा हूँ, तमिलनाडु बेच रहा हूँ, नागालैंड बेच रहा हूँ, जम्मू कश्मीर बेच रहा हूँ, तो वो इंटरस्टेट हो गया। बोले तो एक स्टेट से दूसरा स्टेट। बट यहाँ पर जीएसटी काउंसिल ने जो नया रूल लागू किया उसमें उस रूल को इंट्रास्टेट के लिए रखा गया। इंट्रास्टेट बोले तो स्टेट के अंदर अंदर। बोले तो राजस्थान का अगर मैं व्यापारी हूँ, मान लीजिए मैं यूपी का व्यापारी हूँ, मान लीजिए मैं केरला का व्यापारी हूँ, तो उस स्टेट के अंदर अंदर जो भी जिले हैं या उस स्टेट के अंदर अंदर मेरे को माल बेचना है, ठीक है, तो मेरा बिजनेस अगर इंट्रा स्टेट है, अगर उसी स्टेट के अंदर अंदर मेरा सारा माल बेचा जा रहा है तो मैं 40 लाख रुपए से और अगर मेरा टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है तो मैं बिना जीएसटी के ऑनलाइन बिजनेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगा दोस्तों कि किस टाइप के बिजनेस ऑनर लोगों को यहाँ पर फायदा मिलेगा इसमें। इसमें क्या होगा, जैसे तो वेजिटेबल सप्लायर होते हैं जो सब्जी बेचते हैं वो लोग हो गए, ठीक है, उसके अलावा बेकरी शॉप वाले हो गए, बेकरी बिजनेस करते हैं, अपने आसपास के शहर में तो बेचते हैं लेकिन अपने शहर के आसपास 10, 20, 50, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के एरिया में अगर आप बिजनेस कर रहे हो अपने स्टेट के अंदर अंदर, तो ठीक है, तो आप इस कैटेगरी के लिए, इस एग्जेम्प्शन के लिए फिट बैठते हो। तीसरी चीज हो गई किराना स्टोर्स हो गए, जनरल स्टोर्स हो गए, किराना शॉप वाले भी इस कैटेगरी में फिट बैठते हैं। तो इस तरह से लोगों को कई ऐसी कैटेगरी से, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको इस रूल से फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये वो रूल था जो भारत सरकार ने, जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने नया रूल लागू किया है कि आप अगर आपका टर्नओवर इंट्रास्टेट है और 40 लाख रुपए से कम का है टर्नओवर, सालाना टर्नओवर आपका 40 लाख से कम का है तो आप बिना जीएसटी के ऑनलाइन माध्यम से बिजनेस कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, मैं इमीडिएटली रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।